द्वारका एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट हो गया। 26 किलोमीटर का अपना वो एक्सप्रेस वे बना है, 8x8 वाला, मतलब 8 लेन नीचे है, 8 लेन ऊपर है। ये अलग ही गुस्सा कर रही है भाई, इसे मैं रेडियो होता हुआ दिख गया था ना, तो अब ये क्या है, अब गुस्सा हो गई है। और हाँ, बहुत अच्छा काम किया आपने भैया जी, और भैया जी पढ़ लेना, पढ़ लोगे भैया जी, आज पढ़ाई तो करी ना मेरे से, खड़े हो जाओ तो फिर, और ना करी मैं फोन करके पूछ लूँ। आप जल्दी से बताओ यार, कमेंट नहीं कर रहे आप। व्हाट्स अप विद द फैमिली, वेलकम बैक। मैं रिवील जब ही करूंगा जब आपके कमेंट आएंगे। तो भाई मैं सनसेट देखने थे, दूर गया था कन्याकुमारी, सनसेट तो यहाँ से भी अच्छा दिख रहा था, देखो अलग ही मौसम हो रहा है, सूरज डूबने वाला, देखो डूब गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, पढ़ो को मेरा राम राम, छोटो का हेलो, आई होप सभी बढ़िया हो गए, मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, और अभी टाइम हो गया 2 बजे, निकलते निकलते मतलब लाइक सुबह से निकल रहा हूँ, अब निकला गया। वो कुछ वो जो मैं बता रहा था आपको कि घर के काम, यानी एक तो गेट में लॉक लगवाना था, एक अपने पर्दे वर्दे ये लेके आने थे, तो ये लेने गया था मैं मार्केट में। तो अभी टाइम हो गया 2:30 के आसपास हो गया, मैंने खुद भी टाइम नहीं देखा, सही बताऊँ तो एक बार देख लेता हूँ कितना हो गया, 2:30 बज गया। तो गाइज अभी मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, गुड़गांव क्यों जा रहा हूँ, क्या ट्रिप हो सकती है? कुछ काम है बता नहीं, अभी नहीं बताते, अभी वीडियो में बने रहो। तो भाई रेडी हो गया हूँ मैं, कुछ ऐसा दिख रहा हूँ मसा, हीरो माफिक है, हीरो माफिक तो लग ही रहा हूँ, मेरे को खुद को तो फील ही आ रहा, और कुछ फुल गेटअप ऐसा है अपना, और ये अपने वही एडिडास ग्रीन वाले हैं ये, तो भाई एकदम मस्त है अभी, तो अपना यही है। अभी पहले गुड़गांव पहुंचता हूँ, और गुड़गांव जा क्यों रहा हूँ, देखो भाई मैं बता देता हूँ, गुड़गांव इसलिए जा रहा हूँ, एक दो तो मेरे बहुत सारे काम हैं, कुछ वहाँ से अपने कपड़े भी ये सब लेके आने हैं, तो एक दिन जाना भी ज़रूरी था, तो इसी वजह से मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। और एक दो काम और हैं, क्या काम है, एक तो अपनी गाड़ी भी दिखानी है एक जगह, PPF के लिए भी दिखानी है, 2-3 काम ये हैं, और अपनी बाइक के ग्राफिक्स की बात करनी है, ग्राफिक्स कराऊं क्या कराऊं वो वाली, यहाँ भी बात करके आए थे, बट मेरे को यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई काम अच्छा नहीं हुआ, तो इस वजह से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, 2-4 चीज़ें मिली हैं मेरे को, तो मैं देख लेता हूँ यार, ऐसा थोड़ी ना है कि बस एक ही है, बस वहीं करवाओ और हो गया काम, 2-4 जगह ट्राई कर लेना चाहिए, वही वाली बात है। तो आज भाई मैं पहले तो जाऊंगा भाई CP, क्योंकि मेरे को एक काम भी है, तो CP जाना है, तो अभी निकलते हैं, और नीचे भी बताता हूँ, मौसी को भी बताया नहीं, उन्हें भी बताना है, फिर यहाँ से निकलते हैं, और गड्डी से ही जा रहा हूँ, बाइक से नहीं जा रहा, ठीक है जी, अभी मिलते हैं, जिस भी चीज़ से निकलूँगा, कौन सी गड्डी से जाऊँगा वो भी बता दूंगा, ठीक है, नहीं से जा रहा हूँ, पुरानी से जा रहा हूँ, अभी बने। और अपना बैकपैक भी हो गया, मतलब एक दो वेयर रख लिया है मैंने, लोअर टी शर्ट्स और ये सब, और अपना आईपैड भी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इसके बिना एडिटिंग नहीं होती, वैसे हो तो जाती है फ़ोन से भी, बट ऐसा है कि गाइस रेंडर होने में ना बहुत टाइम लग जाता है फ़ोन में, और मैं इसलिए जब ये है तो भाई इसी से करता है ना, क्यों वो वाली बात है, ठीक है गाइस, तो अपना अभी यही ही है, चलते हैं। ये अलग ही गुस्सा कर रही है भाई, इसे मैं रेडियो होता हुआ दिख गया था ना, तो अब ये क्या है, अब गुस्सा हो गई है और हाथ मार रही है कि कहाँ जा रहा है, मेरे को भी लेके चल साथ में, वो वाला सीन है इसका। हाँ आऊँगा मैं, जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है, और इसे घुमा ले यो, ठीक है, कोई भी कभी इसे फिर घर में ही आलसी आलसी बना रखी है ये, आऊँगा मैं जल्दी आऊँगा एस्टेट को लेकर, ठीक है, ठीक है। अब इसको बस ये करते रहो मसाज, आराम से लेटी रहेगी और फिर थोड़ी देर में सो जाएगी, वो वाला सीन है इसका, पूरे दिन सोती रहती है, सो तू राम, चलो चलो भाई, चलो 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 घूमी घूमी करने चल रहे हैं, चलो 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 जल्दी चलो चलो बाहर चल रहे, बाहर चलो, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा बाहर जाना है, चलो भाई एक राउंड लगवा लाते हैं इसको, चलो पार्क में चलो पार्क में आ जा। चलो तो भाई अब निकल रहा हूँ, 3 बज गए, पहुँचने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा,
बैग तो चलो ये रहा। अरे आईपैड कौन सा ले गया? लाओ भाई आईपैड दो, ज्यादा गेमर मत बनो ना बेटे। क्या चक्कड़ी बनी पड़ी है यहाँ पे, क्या सिस्टम चल रहा है? कुछ नहीं भाई, पबजी खेल रहा था मैं तो। अच्छा लो एयरपोर्ट्स ले लो। लाओ भैया पक्के, बहुत अच्छा काम किया आपने भैया जी। और भैया जी पढ़ लेना है ना, पढ़ लोगे भैया जी? आज पढ़ाई तो करी ना होगी शायद, है खड़े हो जाओ तो फिर, और ना करी मैं फोन करके पूछ लूंगा, बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ना? नमस्ते, बाय बाय। चलो भाई चलता हूँ, भाई लेट भी हो गया पहुँचने में टाइम। चलो जी घर से निकल गया हूँ और साथ में अपने फ़ोन पे ना लैमिनेशन भी करा ली है, वही कार्बन फाइबर वाली, वही वही अलग ही प्यारी लगती है, अलग ही मतलब उस लैमिनेशन के साथ अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है मेरे को। तो कुछ ऐसा देख दिख रहा होगा कवर के अंदर से, तो ऐसी कुछ अपनी लैमिनेशन करा ली है। और भाई अभी जहाँ पर मैं हूँ यानी वही महिंद्रा जहाँ से हमने अपनी गाड़ी ली थी, यानी मैं तो नहीं ले पाया था, मेरे पापा चाचा श्री मामा श्री भाई ने ही डिलीवरी ली थी, तो ऐसा था। और आप जल्दी से बताओ यार, कमेंट नहीं कर रहे आप कि गाड़ी रिवील कब करनी है। देखो मैं रिवील जब ही करूँगा जब आपके कमेंट आएंगे, मैं अपने आप से नहीं करना चाह रहा अभी, सच बता रहा हूँ, नहीं तो मैं कर देता। तो जल्दी से मतलब कमेंट करो यार, रिवील करो, रिवील करो वो वाले, ठीक है? आज कमेंट आ जाने चाहिए भर भर के, जैसे हेलमेट्स के आए थे ना, चाहे मेरे ऐसे आए थे 70-75 के आसपास आए थे, मेरे लिए वो भी काफ़ी हैं अभी, तो एक एक भी काफ़ी है मेरे लिए, तो वो वाली चीज़ है। तो आपको ना कमेंट करना है और जल्दी से कि भैया भाई जो भी आप बोलना चाहते हो, मतलब नितिन जो भी, कि भाई रिवील कर दे जल्दी से, हैं ठीक है जी? तो जल्दी फिर गाड़ी रिवील करेंगे। और मैंने तुम्हें बता ही दिया मैं गुड़गांव क्यों जा रहा हूँ भाई, एक तो अपनी गाड़ी का भी काम है, मतलब काफ़ी सारे काम है, और आपको पता ही है गाड़ी लेने के बाद में कुछ मॉडिफिकेशन होनी ही चाहिए, तो पहले वही कराऊंगा। देखो अभी सीट कवर भी नहीं चढ़े, सीट कवर भी देखने हैं, देखो पहले 2-4 जगह घूम लेना चाहिए तब जाके डलवाना चाहिए। अभी बुलंदशहर में भी एक है, वहाँ भी बात की हुई थी, प्लस तुम्हारा दिल्ली में करोल बाग भी है, जब कोई मतलब जैसे तुम देखा होगा जगदम्बा और ये सब बहुत सारे हैं, और इन पे जाके मैं बात करूँगा, अच्छे से डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगा, फ़ोटोज़ ले आऊँगा, जहाँ मेरे को अच्छा लगेगा पैसे वैसे मैं वहाँ डलवाऊँगा। तो 4 जगह अगर जाऊँगा तो 4 जगह के मैं रेट भी पूछूँगा, और शायद फुलफ़िल कराने की कोशिश करूँ कि वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, ठीक है जी? तो अब जल्दी से आप कमेंट कर दो, क्योंकि देखो मैं गुड़गांव कम से कम 3-4 दिन रुकने वाला हूँ, तो इसी बीच में गुड़गांव में वहीं पे रिवील भी कर देंगे, ठीक है? तो ऐसा है भाई, और ऐसा है कि देखो क्या क्या करवाना है भैया बता दो। सीट कवर डलाने हैं, फोग लैंप डलाने हैं, और LEDs लगवानी है, और अंदर एम्बियंट लाइट भी लगवानी है, और पीछे बैक बम्पर गार्ड लगवाना है, बहुत सारे काम है मतलब इससे रिलेटेड, PPF का भी है, PPF की भी बात करके आनी है। और अभी पहले मैं इसको लगा देता हूँ भाई क्रूज़ पे, क्योंकि जब वीडियोस बनाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। हाँ प्लस अपनी बाइक की भी बात करके आनी है, क्योंकि बाइक पे भी ऐसा है कि थोड़ी सी डल हो गई है अपनी RS 200, और उसे भी यानी मैंने बोल भी दिया है कि भाई बुलंदशहर की बेस्ट बाइक बनाना है यानी RS 200 को, मतलब मैंने उसे पहले से मॉडिफाइड तो करा रखा था बट अभी और अच्छे से मॉडिफाइड कराना है मेरा, ये है ऐसी करानी है जो किसी ने कभी कराई नहीं, और कभी सच में बता रहा हूँ कभी किसी ने कराई नहीं है RS 200 पे, वो चीज़ कभी किसी ने नहीं कराई जो मैं कराऊँगा, ठीक है? तो बेस्ट बनानी है अपनी बाइक, और आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि भाई ऐसे कॉन्टेंट बनाओ और ये चीज़, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा फुलफ़िल कराने की कोशिश करूँगा कि भाई मैं ऐसा भी बना सकूँ। तो कमेंट कर दिया करो गाइस, है ना? अभी और सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, अपनी गाड़ी एवरेज देख रहे हो? लोग कहते हैं कि भाई एवरेज नहीं आता अपनी गाड़ी का, यानी महिंद्रा एवरेज नहीं देता, ये महिंद्रा की ही गाड़ी है, लोगों भी शायद दिख रहा होगा नया ही है, तो महिंद्रा की ही गाड़ी है, और एवरेज भी कितने का दे रही है? 18 का दे रही है,
नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है ना, बट दे रही है। क्यों देती है वो भी मैं बता दूं, वैलिड रीजन बता देता हूं। तब तक तुम्हारे 10,000 किलोमीटर नहीं हो जाते ना, आपको अपनी गाड़ी ज्यादा ना तो भगानी है, ना उससे रश ड्राइविंग करनी है, ना ज्यादा उछल कूद करनी है। जब तक 10,000 पहली सर्विस नहीं हो जाती, ये 10,000 डिपेंड करते हैं आपके आने वाले साल, यानी आपकी गाड़ी के आने वाले साल यानी बुढ़ापा। जो अपनी एक्सयूवी है ना, वो 2.5-3 लाख किलोमीटर चल चुकी है। वो क्यों चल चुकी है? वो इसी वजह से। और आज तक कभी इंजन में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक बार क्लच प्लेट चेंज हुई थी, बाकी कोई काम नहीं हुआ। तो मैं यही कहता हूँ गाइज के 10,000 किलोमीटर तक अपनी गाड़ी को ना शांति प्रिय रखनी है, कि ज्यादा ना हवाबाजी नहीं करनी है कि भगा रहे हो ये चीज वो चीज, क्योंकि ये जो 10,000 किलोमीटर है ना, ये 10,000 डिपेंड करते हैं आपकी गाड़ी कैसी चलने वाली है आने वाले सालों में, ठीक है? तो भाई देखो, और ऐसा भी होता है, एक और चीज, एक और फैक्ट बताता हूँ। एक फैक्ट क्या होता है कि भाई, अरे भाई साहब, हाँ, तो एक और फैक्ट बताता हूँ। एक फैक्ट और क्या है कि भाई, लोग कहते हैं कि जब शुरू में आती है कि गाड़ी एवरेज नहीं देती, अब भाई इससे ज्यादा और क्या लोगे? तो इससे ज्यादा कुछ और अच्छा तो नहीं मिलेगा, मैं तो यही कहूंगा। 18 से ज्यादा एवरेज और क्या ही वो करना चाहोगे? बट क्यों दे रही है भाई? मैं 80 से ऊपर एक बार चलाई थी बस, जब आगरा गया था, वो भी फील लेने के लिए। तो एक दो बार में तो कुछ नहीं होता, बट हाँ, जब डेली यूज में, भाई इसे एकदम लो ही रखना है, मतलब अच्छे से आराम से ध्यान से चलानी है। आपके इंजन की भी सेफ्टी है, प्लस आपका एवरेज भी अच्छा। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो यही है कि भाई धीरे से ही चलो, आराम से चलो, और ख्याल रखो अपनी गाड़ी का और प्यार करो। और देखो, इतनी देर में ही, जैसे मैंने तुम्हें बताया था 18.1 का था, 18.2 का हो गया है। अब ऐसे ही अगर मैं यही चलता रहा ना, तो अभी मैं जब पहुंच जाऊंगा गुड़गांव, तब दिखाऊंगा ये वाली चीज कि ये कितनी बढ़ गई है, बढ़ती है कम होती है। ये है 18 तो रहती है ही, क्योंकि जब मैं 80 से ऊपर लेके ही नहीं जाता इस गाड़ी को, सही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि कभी कदाक जब मन में आ जाती है, बस एक बार ही लेके गया हूँ, बाकी तो नहीं भगाई। हाँ, एक दिन और भगाई थी जब वो शादी में आना था, मतलब जल्दी जल्दी में ये था, और मेरी मासी थी, उनको थोड़ी सी क्या है वॉमिटिंग हो जाती है गाड़ी में, तो उनकी वजह से भी थोड़ी जल्दी के भाई जल्दी जल्दी बुझा देता हूँ वाली चीज़ है। अभी सिटी से निकल जाऊँ गाइस, तब बात करते हैं। और इतना मैं सोच लेता हूँ, और क्या फैक्ट पर बात करनी है, ठीक है? आज फैक्ट हो जाए हैं, और साथ में ये छोटी सी एक ट्रिप भी हो जाए गुड़गांव की। और पता है, गुड़गांव में ना एक चीज़ और ओपन ही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उसमें ना ऐसा है कि 10-12 तो उसमें चीते, 50-60 हिरन टाइप, ये सब उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो डाली गई हैं। और वहाँ एक और अच्छी बात है कि भाई सिर्फ 50 रुपये में अपनी एंट्री कराओ, मतलब लोगों की, और 10 रुपये शायद 10 या 20 रुपये अपनी गाड़ी के, अपनी गाड़ी से सफारी करो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो कोशिश करूँगा वहाँ जाने की अगर टाइम मिला, और अपने वीकेंड्स पे भाई वो भी कर सकते हो, तो कोशिश करूँगा, है ना? ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं। तो भाई मैं अभी आ गया हूँ लडपुरा रोड पर, और यहीं पे ये आ गए, थोड़ा सा ही रह गया अभी नोएडा। और भाई ट्रैफिक बस पूछो मत, जो रास्ता कम से कम 20-25 मिनट का, वो घंटों लग रहे हैं, मतलब वो वाला सीन है। बाइक होती अब तक आ जाता, पर चलो कोई ना, इसका अलग बेनिफिट है, ये तो है आराम से बैठ के चलते रहूं राजा की तरह। तो अभी सर ऐसा हुआ 25-30 किलोमीटर हुए हैं, और इस बीच में एवरेज थोड़ा सा घट भी गया है, क्योंकि भाई ट्रैफिक और सिंगल लेन रोड, थोड़ी सी बड़ी भी होती तो अच्छा एवरेज दे देती। आगे देख लो भाई कितना ट्रैफिक है, इस रोड पर रहते ही है। और पहले तो यहाँ से एक शॉर्टकट था, इधर से निकल जाते थे, बट वो अब ख़त्म सा कर दिया, क्योंकि ये बन रहा है यहाँ पे, कहा था ना लडपुरा। यहाँ पे मैं कम से कम, मतलब नोएडा में 3 साल रहूँ, तो ऐसा है कि लडपुरा हो गया, कासना हो गया, और ये तुम्हारा डाढ़ा गांव हो गया, ये सारे मतलब यहीं रहे थे, क्योंकि इसमें गलकोटिया में बड़ा हुआ था मैं, यहीं गई थी अपनी कॉलेज वॉलेज जो भी आया था मैं, यहीं पे किया था भाई। सिस्टम हैंग अभी भाई सिस्टम हैंग चल रहा है अपना गुड़गांव में, और
ऐसे ही है भाई, कोई बात नहीं, चलो अभी मतलब एवरेज अच्छा दे रही है। हाँ तो फैक्ट की बात कर लेते हैं, जो बीच में से जहाँ पे बात छूटी थी, तो भाई फैक्ट नंबर मैं पता नहीं क्या हो गया आज, कल मतलब ऐसा है कि कल एक वीडियो जो व्लॉग बनाया आपने नहीं देखा शायद, अगर नहीं देखा तो यार प्लीज जाके देखो, बहुत काम की चीज है। अगर आप मतलब कश्मीर मतलब ये सॉरी कश्मीर टू कन्याकुमारी करना चाहते हो और इस तरीके बाइक से करना चाहते हो, तो भाई कितना क्या खर्चा आएगा पूरा भाई मेंशन किया है उस वीडियो में, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो मतलब 2 महीने में मैंने एक्सपीरियंस किया और क्या क्या चैलेंजेस आए सब उस वीडियो में भर दिया। मतलब भर तो मैं पूरा नहीं पाया क्योंकि यार जितना भरने की कोशिश कर रहा था भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, काट पीट के एट द एंड 30 मिनट की वीडियो बनी थी। आप उसमें से बीच बीच में से कहीं से स्किप कर लेना, बट जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बात बहुत जरूरी है, कैसे थे वहाँ के लोग एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है मेरे कहने से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो प्लीज देख लेना, इसे अभी छोड़ दो, उसे जाके जरूर देख लो क्योंकि भाई वो इन्फॉर्मेटिव इतनी है ना बहुत ज्यादा, मतलब जो मैंने एक्सपीरियंस किया बाइक के साथ क्या हुआ क्या क्या कैसे कैसे करना चाहिए भाई सब कुछ फुलफिल कराने की कोशिश करिए। और अगर कुछ रह गया हो तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और जाके मेरे को फॉलो कर लो, नितिन चौधरी व्लॉग्स। तो अभी ऐसा है कि अभी सिंपल गुड़गांव पहुंचता हूँ, नहीं पहले तो एक यार अपना क्या है CP तक जाना है, एप्पल के सर्विस सेंटर पर हमें डाटा केबल चेंज करानी है, वो पता नहीं क्या ख़राब हो गई है, तो पहले तो CP जाऊँगा फिर निकलूँगा गुड़गांव की तरफ, और सोच रहा हूँ करोलबाग की तरफ भी होता चला जाऊँ या फिर कल आऊँ वापस, देख लूँगा अभी। जैसे अभी ये है टाइम तो वही हो गया 5:30 के आसपास हो गए हैं, अभी देखते हैं पहुँच के कितनी जल्दी पहुँच पाता होगा, लेट हो गया तो फिर तो मैं ऐसे ही सोचा हूँ कि पहले आज गुड़गांव ही चला जाता हूँ, कल दिन विन में देख लेंगे कि कल चले जाएँ, बट अभी नहीं। तो भाई मैं सनसेट देखने इतनी दूर गया था कन्याकुमारी, सनसेट तो यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है, देखो अलग ही मौसम हो रहा है और सूरज डूबने वाला, देखो डूब गया पेड़ों के नीचे आ गया गाइस, बट मौसम प्यारा हो रहा है और साथ में भाई आगे देख लो ट्रैफिक कितना सारा हो रहा है, मौसम प्यारा हो रहा है, क्या राइमिंग बनी, मौसम इतना प्यारा हो रहा है और ट्रैफिक इतना सारा हो रहा है, देख लो गाइस कितना सारा हो रहा है। CP जा रहा हूँ, CP जा के हो रहा हूँ, मैंने बता दिया भाई वो डाटा केबल चेंज करनी है आईफोन की, खराब हो गई है अपनी तो उसे चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे भाई CP में आ रहे हो तो भाई ट्रैफिक तो हो गई, कोई बात नहीं। और इसी बीच में अपनी गड्डी का मतलब ये ट्रैफिक में जो एवरेज है वो घट गया है, मतलब 1 पॉइंट पूरा घट गया, 17.3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड गियर के अलावा कुछ और चल ही नहीं रही है, और साथ में इसमें फ्यूलिंग भी करानी है, आगे जाके यहाँ से अभी काम कर लेता हूँ, बाद में करा लूँगा फ्यूलिंग, ठीक है। लोकेशन में पहुंच गया हूँ जहाँ पे CP आना था, अभी यहीं आगे जाके लेफ्ट लेना है और अपना यहीं पे देखो सैमसंग दिख भी रहा होगा, ये सैमसंग का स्टोर है यहाँ पे, इससे आगे ही थोड़ा सा आगे वही एप्पल का भी है, और अपना अभी फ़ोन मतलब जो डाटा केबल है वो चेंज करनी है, वो चेंज करके फिर सीधा निकल जाऊँगा गुड़गांव और वहाँ पर पहुँचना है। और एक और चीज़, द्वारका एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट हो गया, 26 किलोमीटर का अपना वो एक्सप्रेस वे बना है, 8x8 वाला, मतलब 8 लेन नीचे हैं 8 लेन ऊपर हैं, इतना बड़ा बनाया, मतलब कनेक्टिंग इतनी अच्छी हो गई है ना दिल्ली टू, और शायद देखते हैं अभी वही रोड दिखाएगा तो मैं वहीं उसी रोड से निकलूंगा, और भाई इतना शानदार है, वैसे निकला भी उसी से हूँ, शायद तुमने देखा होगा जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, बट अभी एकदम तरीके से दिखा दूंगा, अगर आप दिल्ली से कनेक्टिंग करना चाहते हो और उसी तरफ हो द्वारका की तरफ और वहाँ पे, तो भाई बहुत ईजी है वहाँ पहुँचना गुड़गांव में कहीं भी, 26 किलोमीटर का 16 लेन है, समझ रहे हो कितना बड़ा होगा, जाके दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अभी भाई कनॉट प्लेस से निकल गया और साथ में सोचा कि बंगला साहिब भी चला जाता हूँ, वहाँ भी मतलब ऐसा था जब मैं ग्वालियर गया था तो वहाँ पे मैं एक दिन रुका भी था बंगला साहिब कह रहा हूँ गुरुद्वारे में, तो मैंने उनसे एक चीज़ भी बोली थी कि भाई मैं कभी फिर आऊँगा, तो जब यहाँ से होके निकल ही रहा था सोचा कि चलो यहाँ से भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं देर हो गया, अभी रात हो गई है। और भाई तुम्हें पता ही है दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है, तो भाई बस ये मत पूछो कि ट्रैफिक कैसा है, खुद देख लो
लो बहुत देर से खड़े हैं, आगे देखो ग्रीन भी हो गई है, ग्रीन हो गई है पर खड़े हैं, अभी थोड़ी सी चली है, अभी निकलते हैं। हाँ एक बात बतानी भूल गया था, तो अभी एडिट कर रहा था तब पता चली कि द्वारका एक्सप्रेस वे तो मैं जा ही नहीं पाया, दिखा ही नहीं पाया कैसा बनाया क्या हुआ। तो ऐसे हुआ था जब मैं कापाशेड़ा की तरफ को मुड़ने वाला था, तो भाई वहाँ पे हाईवे पे वो जो यू टर्न के लिए ऑप्शन होता है वो बंद किया हुआ था, तो फिर मेरे को सीधा आना पड़ा था, तो साइबर हब से सीधा आया था शीतला माता होते हुए, और इस वजह से मैं द्वारका एक्सप्रेस वे नहीं जा पाया। बट आज चले जाएंगे, आज दिखा देंगे गाइज आपको, और कमेंट कर देना जल्दी रिवील हो जाएगी अपनी कार, ठीक है गाइज। तो अभी नेक्स्ट आगे देखते रहिए क्या क्या होता। तो भाई रात शूट नहीं कर पाया, आके अपने मित्रगणों से मिला तो ध्यान नहीं रहा, अभी मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी ये आज के इसी ब्लॉग में मतलब ऐसे ही है, और आज कहीं वैसे खास कहीं जा नहीं रहा, रेस्ट वाला डे है, ठीक है, और देखता हूँ अगर कहीं गए तो, वरना तो ऐसे ही है। और भाई सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है अपना, और ये कुछ सैंडविच बन रहे हैं, चीज़ सैंडविच मज़ेदार से लग रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं ना। अरे एकदम ठीक है भाई, मैं तो अभी सो पड़ा हूँ, तो सोया ना क्या? तो क्या हुआ, तू ऐसा ना लग रहा है जैसे, तू तो ऐसा लग रहा है इसमें कैमरा में देख के कि भैया बहुत देर का सो के उठा हुआ है या सोया ही ना। हाँ भाई थोड़ी सी अपनी एसिड की तबीयत खराब हो रही है, एसिड चलो सोने देते हैं, सो गई है, मैंने बोला नींद तो सुन लेती है इतनी देर में, तो ये तकड़ी नींद में सो रही है भाई, सोने देते हैं। और अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और सैंडविच कैसे लगे अपने, ठीक है, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कितने अच्छे हैं, है? जिसको खाने हो मेरे आईडी डीएम करें। अरे 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 अरे, चलो ठीक है गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में।